रिसर्च प्रॉब्लम वाली गुफ्तु को आगे बढ़ाते हैं और रिसर्च के टाइटल में जो तीसरा एलिमेंट हमने कहा था कि होता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं अभी और तीसरा एलिमेंट जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं सब्जेक्ट है यानी जब भी मैं रिसर्च का टॉपिक लिखूंगा तो उस टॉपिक में अगर ये बात नज़र आए कि रिसर्च किन लोगों पे की जा रही है तो इससे भी रिसर्च को समझने में मदद मिलती है मिसाल के तौर पे अगर आप टॉपिक्स में देखें तो रेड कलर में जो लफ्ज़ किए हुए हैं ये बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट्स को ज़ाहिर करते हैं मसा मतलब पहले वाले टॉपिक में टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो मेरा सब्जेक्ट है देखिए इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ऑन कस्टमर सर्विसेज ये तो आप किसी भी तरह के बिजनेस में देख सकते थे किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन जब आप इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों से के मुतिक ये बात कर रहे हैं तो जो स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स है वो साथ ही तब्दील हो जाता है कस्टमर सर्विसेज़, टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड की जाए तो वो एक सेट ऑफ थिंग्स है इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है वो भी नेचर ऑफ इंडस्ट्री बदलने से बदलती है सो तो लिहाजा अगर मैं अपने टाइटल में ये बात बता दूँ कि मेरी रिसर्च टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों से मुतलक है उनसे डाटा लिया जाएगा तो इससे भी रिसर्च को समझने में टाइटल को समझने में आसानी होती है अगर आप दूसरे टॉपिक को देखिए तो वहां पे भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहली मिसाल में था कि टेस्ट एनजाइटी तो हर लेवल के स्टूडेंट्स को होती है हर तरह के एग्जाम में होती है अगर मैं टेस्ट एनजाइटी के साथ स्पेसिफाई कर दू ग्रेड नाइन ग्रेड नाइन क्यों कि हमारे सिस्टम में एक बड़ा हाई स्टेक एग्जाम है इस एग्जाम के साथ लोगों के फ्यूचर की पढ़ाई से मुतलिक डिसीजन जुड़े होते हैं तो मुमकिन है कि अगर मैं टेस्ट एनजाइटी का जिक्र ग्रेड टू या थ्री के लेवल पर कर रहा हूँ तो उसका मतलब कुछ इस तरह से ना हो जैसे जब टेस्ट एनजाइटी का जिक्र ग्रेड नाइन के स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है सो ये स्पेसिफाई करने से कि मैं किस लेवल के स्टूडेंट्स की बात करता हूँ रीडर को ये समझने में आसानी होती है कि मेरे वेरिएबल्स के मीनिंग इनके साथ जुड़ के किस नोयीत के बनते हैं सो so, आप जब भी टाइटल ऑफ रिसर्च लिखें तो ये जिसको आप सब्जेक्ट्स कहते हैं यानी वो लोग जिन्होंने स्टडी के लिए डाटा प्रोवाइड करना है अगर उनका ज़िक्र आएगा तो लोगों को आपके टाइटल को समझने में आसानी होगी इसके अलावा समझ ये बात समझने के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जब मैं टूरिज्म इंडस्ट्री लिख देता हूँ तो मेरी स्टडी की पापुलेशन का तयन हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह के लोग स्टडी का हिस्सा होंगे वो समझ आया और फिर उनके दायरे कार यानी मेरे नज़दीक ये तय हो गया कि अब पापुलेशन कौन है ये लोग यानी मैं सैम्पल जो भी ड्रा करूँगा जिन लोगों से भी डेटा लेने जाऊंगा वो टूरिज्म इंडस्ट्री से मुतलक लोग होंगे किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे और इस दूसरी बात उस इंडस्ट्री के अंदर फिर मुख्तलिफ टीयर्स पे लोग काम कर रहे होते हैं कुछ फील्ड में काम कर रहे होते हैं कुछ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे होते हैं कुछ प्लानिंग में काम कर रहे होते हैं कुछ सर्विसेज में काम कर रहे होते हैं तो मैं उनमें से कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड लोगों को अपने सैम्पल में शामिल करूंगा क्योंकि मेरी स्टडी का डिपेंडेंट वेरिएबल कस्टमर सर्विसेज है लिहाजा इन सारी चीज़ों को मिल के पढ़ा जाए तो ये भी तय हो जाता है इसको पढ़ने के बाद कि आपकी स्टडी की पॉपुलेशन क्या होगी और सैंपल क्या होगा उसमें से सैम्पल किस तरह के लोगों का ड्रा किया जाएगा इसी को रेप्लिकेट करिए अपनी एजुकेशन की एग्जाम्पल पे तो उसमें भी देखिए कि टेस्ट एनजाइटी और स्टूडेंट्स की अचीवमेंट कौन से स्टूडेंट्स हैं ग्रेड नाइन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं अब मैं ग्रेड नाइन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं मुख्तलफ़ तरह के स्कूल्स हैं जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में अपने स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम दिलवाते हैं तो इसका मतलब है इस टाइटल के पढ़ने से मेरे ज़ेहन में ग्रेड नाइन के लिखने से समझ आती है कि ये तमाम बच्चे मेरे जो सैम्पल में होंगे स्टूडेंट्स ये ग्रेड नाइन के होंगे ये मुख्तलिफ़ मजामीन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे ये मुख्तलिफ इदारों से आने वाले स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के, के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं सो so, सब्जेक्ट का पॉइंट आउट करना सिर्फ टॉपिक के समझने की बात नहीं बल्कि रिसर्चर के अपने लिए भी एक गाइड है कि इससे उसको हेल्प मिलती है अपनी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने में और अपने सैंपल को सेलेक्ट uh, करने में